बोरमुंडा अंतराज्य बस टर्मिनाल बुली देखिले माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक। एक कार्य पर मोट 180 कोटी टंका खर्च होगा एवं 18 मास मध्ये कार्य संपूर्ण होगा बोली मुख्यमंत्री घोषणा करते। भुवनेश्वर बोरमुंडा बस स्टाण्ड राज्यर सबुठू बड़ व्यस्त बहुल बस स्टाण्ड राज्यर विभिन्न स्थान को एठारु बस चलाचल करथाय। हजार हजार यात्री प्रतिदिन विभिन्न स्थान को बस जोगे जाइथांती तेणु एहाकु अख अत्याधुनिक रूप देवाई मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निर्देश क्रमे काम आरंभ होइछि। संध्यारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बोरमुंडा अंतराज्य बस टर्मिनाल निर्माण कार्य बुली देखिथिले। एथिसह कार्यर अग्रगति संपर्क में समीक्षा करथिले। ए प्रकल्पर दुईट भाग रही गोटी खंडगिरिस्थ बस डिपो एवं अन्यटि बोरमुंडा अंतराज्य बस टर्मिनाल। खंडगिरी बस डिपो कार्य संपूर्ण हो जाएगी एवं मुख्यमंत्री बुली ताहा देखिथिले एवं उन्नत निर्माण कार्य सहित बस रहिबार सुव्यवस्था होइथिबारु संतोष प्रकाश करथिले। बोरमुंडा अंतराज्य बस टर्मिनाल को पूर्व भारत प्रमुख बस टर्मिनाल भाव में गढ़ी तोलिबा को राज्य सरकार का लक्ष्य रही। अत्याधुनिक डिजाइन सहित यात्री मानक सुविधा सुजोग बस मानकर प्रशस्त और प्रवेश बस मानकर प्रवेश और प्रस्थान तथा वाणिज्यिक स्थान आदि उपरे अतिरे स्वतंत्र गुरुत्व दिएछि। मुख्यमंत्री 5T कार्यक्रम अधीन अंतराज्य बस टर्मिनाल रूपांतरीकरण कार्य हाथ को नहीं। मुख्यमंत्री परिदर्शन समय मंत्री अशोक चंद्र पंडा विधायक सर्वश्री अनंत नारायण जेना सुशांत राउत मुख्य शासन सचिव अजित त्रिपाठी मुख्यमंत्री सचिव वीके पांड्यान भुवनेश्वर महानगर निगम कमिशनर और पुलिस कमिशनर समेत वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित रहिथिले। भुवनेश्वर स्पेशल ब्यूरो चीफ विद्युत लता महांती रिपोर्ट 107 न्यूज। सत्य प्रेम न्याय सहयोगे गढ़ीबु नुआ एक कोणारक। सत्य प्रेम न्याय सहयोगे गढ़ीबु नुआ एक कोणारक। दुखी हेउ अबा हेउ असहाय दुखी हेउ अबा हेउ असहाय सभी को गरीबु आमे आपणार। ए उन्नतिर स्वर ए उन्नतिर स्वर ए उन्नतिर स्वर साई सत्य न्यूज।